YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी नई से नई इंफॉर्मेशन और नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे एक दोस्त जो कि हमारे चैनल को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और काफ़ी हद तक जेनी पामिस्ट्री सीख भी चुके हैं, और हमारी कोशिश भी यही थी कि आम लोग भी सीखें ताकि उनको कोई धोखा ना दे सके या उनको कोई टेंशन में ना डाल सके या उनको कोई परेशान ना कर सके। तो उन्होंने कहा था कि आप हाथ में लकीरों के अलावा कौन कौन सी अलामतें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी आप हमें बता दें, ताकि आगे चलकर आप जब वो वीडियो करें हाथ पे वो चीज़ें बनाकर बताएं तो फिर हम समझ जाएं कि आप कौन सी लकीर और किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हाथ में फिश का निशान, जली मछली का निशान, किसी हाथ में मछली का सिंगल निशान होता है, किसी हाथ में डबल निशान होता है, और मछली का निशान होता किस तरह, मछली किस तरह की बनी होती है हाथ में, तो वो ये है कि ये इस तरह का निशान बना होगा तो समझें वो फिश का निशान है। ठीक है, इस तरह का निशान है तो फिश का निशान है। अगर यही निशान किसी हाथ में डबल बना हुआ है, यानी दो बने हुए हैं, तो ऐसे लोग बड़े रहमदिल होते हैं, बड़े रहमदिल और बड़े ही अच्छे तबीयत और बड़े ही अच्छे मिजाज के मालिक होते हैं। ठीक है ना, इस तरह का निशान, इसको हम कहते हैं फिश का साइन, और हो सकता है कि वो नीचे से भी यूँ ऐसा ये बंद हो या ना हो, लेकिन इस तरह का निशान जो होता है वो फिश का होता है। उसके बाद हाथ में एक निशान होता है, ये फ्लैग यानी झंडे का निशान। ठीक है ना, झंडे का निशान का मतलब ये कामयाबी, या फिर तीर कमान इस तरह का एक निशान बना हो तो ये भी कामयाबी की अलामतों में से एक अलामत है। ठीक है, ये और ये, ठीक है ना, इनको आप अच्छी तरह जांच लें, समझ लें, परख लें। और बाज़ हाथों में तलवार का निशान होता है, ये इस तरह का निशान है और ये बना हुआ है, ये इसको हम कहते हैं तलवार का निशान। ये निशान तीर कमान हो या तीर हो तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे अगर फ़ौज में जाएं तो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं और बहुत ही ऊंची पोस्ट पर जाते हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे आम लाइफ में भी अगर होंगे तो इनकी कोशिश होगी फलाई खिदमत करना, ये लोग दूसरों की खिदमत करके खुश होते हैं, दूसरों के काम करके खुश होते हैं। और ऐसे निशान जब हाथों में होते हैं तो ऐसे बच्चे बहादुर होते हैं, यानी फ्लैग का निशान, तीर कमान या तलवार का निशान, ऐसे लोग बड़े बहादुर, बड़े निडर लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद निशान आ गया जज़ीरे का। जज़ीरा तो आप समझ ही चुके हैं, जज़ीरा किसको कहते हैं, जज़ीरा ये इस तरह का निशान, ये हाथ में ये निशान होते हैं। और इसके अलावा इस तरह का निशान भी हाथों में पाए जाते हैं, ये निशान भी एक अच्छी अलामत होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी अलामत इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे निशान जिस हाथ में हो, अगर लकीर किसी को काट नहीं रहा, अलग से किसी उभार पर है, किसी जगह है, तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में चांस बहुत मिलते हैं, यानी कामयाब होने के बहुत चांस मिलते हैं, और कदम कदम पे इनको चांस मिलते रहते हैं। और जज़ीरा अगर किसी लकीर के ऊपर नहीं है, ठीक है, तो ये एक अच्छी अलामत है, अगर लकीर के ऊपर है तो ये डेंजरस है, ये अच्छी अलामत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि मौत की अलामत, ऐसा नहीं, बीमारी होती है यानी मामलात रुक जाना, इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, और इन चीज़ों को अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में ज़रूर चेक करें ताकि आपको पता चले कि क्या है। सबसे पहला जो सवाल हमें किया सालिया ने किया है मर्दान से, बाहर मुल्क सफ़र का चांस कब होगा। इंशाल्लाह 2022 में आप मुल्क से बाहर जाएंगे और कामयाब होंगे।
अगला सवाल कि बेनज़ीर ने सखर से नसीब में औलादें कितनी हैं और कितने बेटे हैं और कितनी बेटियाँ हैं। आपके हाथ में औलादों की 4 से 5 अलामतें मौजूद हैं और उसमें ज़्यादा तादाद जो है लड़कियों की है। अगला सवाल कि गुलफाम ने सियालकोट से बाहर के मुल्क कब जा सकूँगा, कामयाब होंगा या नहीं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे और इसी 2020 के आखिर में आपका सफ़र आ रहा है। उसके बाद सवाल किया नसरुल्ला ने सऊदीया से हालात बहुत ख़राब हैं, परेशान हूँ, एक पैसा नहीं मेरे पास, क्या मसला है, हालात कब ठीक होंगे। आपके हालात इंशाल्लाह 2021 में ठीक होंगे, कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अगला सवाल किया आफरीन ने हैदराबाद इंडिया से तलाक हो चुकी है, दूसरी शादी नसीब में है कि नहीं, दूसरी शादी होगी और शादी कामयाब रहेगी और ये शादी आपके लिए अच्छी होगी। उसके बाद सवाल किया नौशीन ने यूके से मेरी शादी टूट चुकी है, दूसरी शादी कब होगी और कैसे होगी। आपकी दूसरी शादी इंशाल्लाह 2021 में होगी और ख़ानदान से बाहर होगी और ये शादी बहुत कामयाब रहेगी। अगला सवाल किया शाइस्ता शौक ने कश्मीर से बहुत परेशान हूँ, रिश्तेदारों को लेकर रिश्ते नहीं हो पा रहे, कब होंगे। इंशाल्लाह आपके लिए 2020 का आखिरी जो है 8 और 9 बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद आपके हालात बहुत बेहतर होंगे और रिश्ते भी होंगे और दीगर मामलात भी बेहतर होंगे। अगला सवाल किया मुर्तज़ा ने इंदौर से, मेरी बीवी उम्मीद से है, क्या ये सारे मामलात आराम से सुकून से हो जाएंगे, कोई परेशानी तो नहीं होगी। जी नहीं, अल्लाह के फजल से कोई परेशानी नहीं होगी, सब मामला बेहतर होंगे और ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। उसके बाद सवाल किया डॉक्टर कश्माला ने लाहौर से, 9 साल हो गए शादी को, कोई औलाद नहीं हुई, क्या मेरी किस्मत में कोई औलाद है या नहीं। आपके हाथ में औलादों की 2 लकीरें मौजूद हैं और इंशाल्लाह अल्लाह देगा। कुछ औलादें लेट होती हैं, कुछ शादियाँ लेट होती हैं, लेकिन इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होती है आपके हक में। अगला सवाल किया उस्मान शाह ने दुबई से, दौलत कब आएगी, दुबई में कामयाब हो जाऊंगा या नहीं। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और दौलत भी आएगी आपके लिए 2021, 2022, 2023, 2025 तक आपके लिए बड़ा अच्छा वक्त है, वक्ती परेशानी है, इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज़।